और इंद्रावती भवन के अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए अब केवल एक तिहाई अधिकारी कर्मचारी ही काम करेंगे। सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारी रोटेशन से आएंगे। एक व्यक्ति एक हफ्ते काम करने के बाद 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेगा। राजपत्रित अधिकारियों की भी ड्यूटी अब एक तिहाई रोटेशन अनुसार लगेगी। और इसी के साथ ही 11 सितंबर की शाम से 14 सितंबर तक दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। विभागाध्यक्ष के कर्मचारी एक सप्ताह ड्यूटी पर जाएंगे, उसके बाद 14 दिन उन्हें होम आइसोलेशन पर जाना होगा। इसी तरह राजपत्रित अधिकारी जो मंत्रालय और इंद्रावती में पदस्थ हैं, उन्हें भी एक तिहाई ड्यूटी करनी होगी। काम निपटाओ जल्दी घर जाओ अभियान के तहत रायपुर के कपड़ा व्यापारी काम कर रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए व्यापारियों ने यह फैसला लिया है। कपड़ा व्यवसायी संघ के मुताबिक रायपुर में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि जितने भी कपड़ा व्यापारी हैं अपना काम कर समय से पहले अपने घर पर जाकर सुरक्षित रहें। इससे वे अपना कारोबार भी कर सकते हैं और घर में जाकर सुरक्षित भी रह सकते हैं। इसी के साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के कारोबारी घर पर ही रहेंगे। कहा तो अभी तो कपड़ा मार्केट बहुत हालत खराब है, थोड़े से कम व्यापारी आ रहे हैं क्योंकि कपड़ा सबसे लास्ट में आता है। पहले लोग खाना पीना ये वो, कपड़ा आखिरी में आता है। दिन भर हम बैठे हैं, आराम है। तो इससे इसी इसी के अलावा हम अपने लोगों को इसीलिए प्रेरित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 50,000 के पार होने के बावजूद भी लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। प्रदेश में रोज 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें हर रोज 500 से ज्यादा मामले केवल रायपुर में सामने आए हैं। व्यापारी चाहे कितने भी दावे कर लें, लेकिन वो कोरोना का ध्यान में रखते हुए ही लोगों को अपनी दुकानों में प्रवेश दे रहे हैं। इसके बाद भी उनके दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। किसी दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं है तो कोई बेतहाशा भीड़ से भरी हुई दुकानें हैं। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए अभी कोई भी कस्टमर को बगैर सैनिटाइजर के बगैर मास्क के सामान नहीं दे रहे हैं, प्लस हर कस्टमर को वन बाई वन एंट्री दे रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए अभी परिस्थिति के हिसाब से सबको 6 फीट का पालन करना जरूरी अनिवार्य है, तो हम भी सबका 6 फीट का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और सैनिटाइज करे बगैर हम लोग दुकान में एंट्री नहीं दे रहे हैं। मास्क एकदम अनिवार्य हो गया है और सबको बोल रहे हैं कि कृपया करके दूरी बनाए रखें। कोरोना काल है और सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो वो राजधानी रायपुर है। आज हम राजधानी रायपुर के गोल बाजार में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा यहाँ पर संख्या में मौजूद है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रायपुर है, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दुकानदार चाहे कितने भी दावे कर ले कि हम ग्राहकों से मास्क लगवाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं, लेकिन इनके तमाम दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी जो है सड़क पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। ये राजधानी रायपुर के बाजार का आलम है कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है कि ये भीड़ भी जो है वो भी कोरोना फैलाने की जो वजह है वो निकल कर सामने आ रही है कि भीड़ की वजह से भी कोरोना जो है वो लगातार फैलते ही जा रहा है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना संक्रमण के मरीज, हर रोज जो है राजधानी से सबसे ज्यादा संख्या में निकल कर सामने आते हैं और इसी तरीके से बाजार में हर रोज भीड़ नजर आती है। कैमरामैन देखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, शरद एक्सप्रेस, रांची। खबर इंदौर से।